दो दिन रहे। सबसे नमस्कार चमत्कार भाई, और टिकट भी उन्हीं की सहमति से सबके जब गलत हैं, गुरु को आदेश तो टाल नहीं सका था। तो जैसे कोरोना जनपद जिला पंचायत सरपंच जीत लई तो सोचा था हमें MLA सुझवाना है, तो वही झोंक में कई लोग आ जाते। अब देखो कांग्रेस के लाने तो अबे 10-5 साल को संभावना मध्य प्रदेश में नहीं आया और न देश में आए। अब देखो जीत की तो हाथी के बहुमत मिल है, लेकिन इतना मिल है कि जब बहुत से लोगों को नहीं आती कोई लिखे तालिख के तो कोई विधान नहीं है कि तुम इतने साल के विधायक रहे हो, इतने वोटों से जीत हो, तो तुम्हें हम कछु बना है जो कछु नहीं है। भैया रो राम राम नमस्कार, हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल लगातार तेज है, काहे कि अब सरकार तो बन गई है लेकिन मुख्यमंत्री को चेहरा कोई यही को लेके लगातार दिल्ली से लेके भोपाल तक उठापटक मची है। क्यों दिना से दिल्ली से लौट के आए हैं भाई, जब इतने दिना हुआ है कल लेके लेके लौटे। दो दिन रहे हैं यार सचिन, तुम कह रहे हो बहुत दिन और कुछ नहीं है। दो दिन रहे। सबसे नमस्कार चमत्कार भाई। देखो यहाँ सो है कि जब दिल्ली के नेता चुनाव प्रचार में आते हैं और टिकट भी उन्हीं की सहमति से सबके जब गलत हैं, अपनों कर्तव्य हो जात कि चुनाव जब ख़त्म हो गए, रिजल्ट आ गए, एक ही बात एक बार धन्यवाद देवे के लाने अपन जाओ चाहिए, तो जय गुलदस्ता लेके गए थे धन्यवाद देवे। हाँ आपके गुरु जी की एक बात तो सांसी कड़ी है, वो केवल आगे की का है। गुरु जी की एक बात तो सांसी कड़ी है भैया, तीन चुनाव और लड़ने से एक तो हो ही गो। गुरु को आदेश तो टाल नहीं सका था, तो हमें लड़ना पड़ो। तो जो दूसरी चर्चा आती उसमें कछु है सुख नहीं, वो मैं गुरु को आदेश हमें नहीं होता, दूसरों को बहुत वो काम हमें नहीं करना, वो काम तो हमारे सबसे बड़े नेता लोग कर रहे हैं। तो लगभग इतनी अब आपकी चर्चा भाई अंदेशों का बदलाव को है, नए को कछु कछु तो समझ में आई नहीं। हमें जो पता है बदलाव को है, नहीं जो बताया है कि जहीं को तहीं रहे। हमें तो एक तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने हैं, और जे को भी बने मुख्यमंत्री मंत्री जो को भी रहे है वो तो भारतीय जनता पार्टी को रहे है, और कौन न रहे। तो बहुत गहरी बात आपने बताई है लेकिन जी तरीके से लगातार चर्चा हो रही, और मूल बात अगर चुनाव के समय की करें कि भाजपा के भी कई सारे जो नेता थे वे मान रहे थे कि 125-30 सीटें आएँ, 135 आएँ, इतनी बम्पर जीत की उम्मीद हती, और ईखो लेके जो केंद्र के नेता हैं बेका के। अब देखो जीत की तो हती के बहुमत मिल है, लेकिन इतना मिल है जा सही बात है कि जब बहुत से लोगों को नहीं आती ऐसी बात है, जब बात सही है तो 10-15 सीटें अनुमान से ज़्यादा ही मिली, और जनता की कृपा है, जनता जो उनको आशीर्वाद दे थे तो छत पर फाड़ कर दे थे, और जब ले थे तो फिर पूरे चुका ले। अब जो है भार्गव जी, जैसे आपने एक इंटरव्यू में भी कही कि विधायक जी क्षेत्र के लोग होते आदमी जब मंत्री बने, मंत्री से और ऊपर चाहूँ तो कछु तो ऊपर एक आध कदम तो कम से कम बढ़े। एक कोनो नियम नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई लिखे तालिखे तो कोई विधान नहीं है कि तुम इतने साल के विधायक रहे हो, इतने वोटों से जीत हो, तो तुम्हें हम कछु बना है जो कछु नहीं है नियम। जो तो सब हमारे जो जो उनको हाई कमान कहते हैं, जो बड़े नेता हैं, वे अपने अलग अलग कारणों से अलग अलग मेरिट पे जो सब तय करते हैं कि कौन को बनाऊना है कौन को नहीं बनाऊना है। जब बात सही है कि योग्यता के आधार पर अनुभव, क्योंकि सरकार जब अच्छी चलाने हैं तो स्वाभाविक रूप से अनुभव तो काम आता है, इससे दो ही मत नहीं हो सकता। और अपना जैसे अभी तक के राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं, तो ये भी है कि साफ स्वच्छ राजनीतिक जीवन 20 साल अपोजिशन में रहे, 20 साल अभी मंत्री पद पर लगभग बीच का एक सवा साल छोड़ दें, उस समय में कैबिनेट मंत्री का दर्जा लिए रहा, लगभग 20 साल ये हो गए। तो इन 40 सालों में अभी तक कौन हुई ऐसी बात नहीं आई कि जो उनसे पार्टी को नेचो देखना पड़े, हमें नेचो देखना पड़े कि हमारे क्षेत्र की जनता होने चो देखना पड़े, तो ऐसा नहीं भाव कछु।
ये कई सीट से लगातार 9 बार चुनाव लड़बो, फिर चुनाव जीतबो, और ई के बाद अब जीवन के, जैसे आपने कही कि लगातार जीत तो लगातार मिल ही रही, लेकिन जब आप पहली बार विधायक बने थे तब कहूँ जा सोची थी कि 9वीं बार तक जाए? बिल्कुल नहीं, कल्पना ही नहीं आती। माने जो कल्पना किए थे या सपनों किए थे वो तक नहीं आते। हम तो दूसरी बार तक के लाने ने सोचते थे कि एक बार बन गए और दूसरी बार बन पाए का, लेकिन बन गए, दूसरी बार बन गए मुकेश नायक से जब चुनाव हो। और अविभाजित मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ भी यही में शामिल है तो 320 सीटें आती, कहा से 90 होते चली गई, अब बची 230। और 320 सीटों में हम सबसे ज़्यादा वोटों से जीते उस समय, 90 को रिकॉर्ड देख ले, 1990 को मुकेश नायक रिकॉर्ड वोटों से हार गए भी। उस समय मुख्यमंत्री थे श्यामा चरण शुक्ला, राजम से भी लड़े 120 सेकंड रहे और हम फर्स्ट रहे जीते हुए। तो हमारे क्षेत्र की जनता को तो जो इतिहास है दे थे तो फिर दम से ही दे थे वोटों, अभी तक दे जा रही है। बुंदेलखंड में ये बार बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, 26 में से 21 सीटें थीं। पिछली बार भी बुंदेलखंड से 5 मंत्री हते, ये बार मंत्रिमंडल के लाने भी अब और भीड़ जैसी स्थिति। अभी के बारे में हम कछु नहीं कह सकते। देखो सही बात जा है कि एक सब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करत है तो कर है जैसे भी कर है। एक आखिरी बात, जैसे आपने चुनाव के बाद लगातार अपील करी आपके ऊपर, तो चुन मतगणना के पहले ही से मतदान के बाद से कछु हंगामा बहुत है, फिर आपने अपील करी क्षेत्र को। अब देखो जी, तो सब जानते जीत और हार ऊपर यात्रा रही थी, ऊपर दिखा रही थी कि काहे कानिया और खुद काहे के कम कम लोग न देखे कि आसन ने हार जो कहते हैं कि अब सामने दिखाई रही है और मतदान हो चुको और मतदान की प्राथमिक रिपोर्ट आई जाती है। तो न सोची अब हार रहे हैं तो कछु बहाना तो चाह नहीं, तो अब कछु हमारे ऊपर भी फिर नहीं है तो घर वालों के ऊपर, परिवार वालों के ऊपर भी कछु न कछु आरोप लगाना है। लेकिन हम क्या करें, हमारे पास 40 साल विधायक और 20 साल हम मिनिस्टर रहे, पुलिस SP कलेक्टर प्रशासन शासन सब हमारे हाथ में रहा मुठ्ठी में, जब तक हम को गार ही नहीं थप्पड़ा नहीं मारो तो अब क्या करते कछु नहीं। कुछ तो कर नहीं यार, सब फालतू के वे जो खड़े हैं हाथी भाई उनके साथ वाले लोग भी वे देखो आप इन सब बातों के लाना शिगुफा बाजी और षड्यंत्र के रूप में और एक सेल्फ डिफेंस को के अब क्या करें भैया हमने जीत पाए इसे। हालांकि बात जो घटना बताई बात तो चुनाव के बाद की है, तो हम जा कह सकते के कछु हो तो अगर तो चुनाव के पहले ही हो तो बात को बतंगड़ ही है तो कोई बहुत ज़्यादा गंभीर था वो मैंने हाथी विषय हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए नए लोग होते हैं मैदान में उतरत हैं, देखो छोटे मोटे चुनाव जीत ले वो जनपद जिला पंचायत एक छोटी सी बात है, तो दूसरे तरीका के चुनाव होते, विधानसभा के चुनाव दूसरे तरीका के होते। तो जैसे कोरोना जनपद जिला पंचायत सरपंच जीत ली तो सोचा था हमें MLA सोई बन है, तो वही झोंक में कई लोग आ जाते कि अब हम तो जे जीत लो एक पहले और भी हमारे खिलाफ़ जो लड़े जिला पंचायत सदस्य रह जाए और काफ़ी वोटों हम जीते, 20-20, 25-25 हज़ार वोटों हम जीते, लेकिन जब हमसे लड़े तो उतने ही से हारे। तो भैया तुम लड़ कौन सा रहे हो पहले तो जब बताओ, ये पंचायतों के चुनाव तो आए ना ही, ये तो विधानसभा के चुनाव है, मामूली बात तो होती है तो जो ही बात रही। तो हमारे कांग्रेसी मित्रों की जो खींच थी वो यही थी कि हम कोई बहाना ढूंढ लाएँ और वही सब विषय है। तो जो उनके लाने कांग्रेस, आखिरी सवाल के कांग्रेस पार्टी के जो है, आपने इतने लंबे समय की राजनीति मध्य प्रदेश में देखी, कांग्रेस के दो बड़े नेता जो एक पूरे चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे, इतनी बुरी हार भाई, अब कांग्रेस के लाने विपक्ष के लाने का संभावना है मध्य प्रदेश? अब देखो कांग्रेस के लाने तो अब 10-5 साल कोनो संभावना मध्य प्रदेश में नहीं आए और न देश में आए। अब ये लोकसभा चुनाव में तो हम जा गारंटी से कह रहे थे बैठ के अपने घर है 29 की 29 लोकसभा सीटें हम आराम से जीत रहे, आराम से। कांग्रेस डरी है, अबे मरी पड़ी लहू लुहान खूना खच्चर जिस प्रकार की स्थिति है, 4-5 महीना बाद चुनाव हो जाना लोकसभा के,
तो जब तक उठ के ठाड़ी ना हो पाए, जब तक मतदान हो जाए, तो जाय स्थिति है। तो हम जब मान के चला था कि चुनाव तो लगभग मध्य प्रदेश में एक प्रकार से हम और जीते ही कहाँ है, और कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि कांग्रेस के लिए अब लोग वोट दें, खासतौर से लोकसभा चुनाव में। अब 5 साल हैं विधानसभा के लाने, तो पता नहीं क्या घटनाक्रम होता क्या होता है, तो बहुत लंबा वक्त होता 5 साल का। तो ईखों काटबो तो और ए पे विजय प्राप्त करवो तो बहुत बड़े प्रयास की बात होता, और हमें नहीं लग रहा कि अब कांग्रेस नेतृत्व चाहे राज्य को हो चाहे राष्ट्रीय हो, कोनो ऐसा हुनर जाना था कि वो चुनाव जीत ले, वे कौन ही संभव नहीं है। राम के नाव ले, राम के नाव ले। तो गोपाल भार्गव जी जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, और अब ये पूरे सियासी माहौल के बीच बुंदेली बौछार से खास चर्चा आपने सुनी। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के नाम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।